नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के उमरगा में तैयार होगा नया सेवा केंद्र। पूर्व सांसद, विधायक और संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया शिलान्यास। नेपाल के वीरगंज में संस्था के युवा प्रभाग द्वारा शांत मन तथा आनंदमय जीवन के लिए 3 दिवसीय आध्यात्मिक प्रशिक्षण। सैकड़ों लोगों ने लिया प्रशिक्षण। और भारत समेत रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में भी न्यू ईयर की धूम। बीके संतोष ने नए वर्ष की शुरुआत के लिए दी कई प्रेरणादायी शिक्षाएं। ब्रह्मकुमारी संस्था ईश्वरी सेवाओं का विस्तार दिन प्रतिदिन कर रही है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को चाहिए कि वह सुकून के कुछ पल जी सके। जिस तरह का माहौल आज संसार में बना हुआ है, उसको देखते हुए संस्था द्वारा महाराष्ट्र के उमरगा में नए सेवा केंद्र का शिलान्यास कर दिया है, जिसके पूजन पर पूर्व सांसद प्रोफेसर रविन्द्र गायकवाड़, विधायक दयानराय चौगुले मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उमरगा से भविष्य में ईश्वरीय सेवाओं का दिनों दिन विस्तार होगा, इसकी नींव आज डल गई है। इस पुनीत कार्य के प्रत्यक्ष दर्शा ग्राम विकास प्रभाग के महाराष्ट्र के प्रभारी बीके दशरथ, सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोमप्रभा, पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन की उपनिदेशिका बीके उषा, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा समेत उमरगा, उस्मानाबाद, बीड, सोलापुर और परभणी की कई वरिष्ठ बीके सदस्य बने। भूमि पूजन के बाद आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने अपनी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। मेरी ओर से हमारे गायकवाड़ परिवार के ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। बहन जी का दिल से स्वागत करता हूँ कि एक अच्छा अवसर हमारे गायकवाड़ फैमिली को आपने दिया। ये कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो और हम अगले साल इससे भी बड़े प्रमाण से अपने वास्तु के सामने इससे भी बड़े रूप से प्रोग्राम आयोजित करें। नेपाल के वीरगंज में संस्था के युवा प्रभाग द्वारा शांत मन तथा आनंदमय जीवन के लिए प्रेरणा एवं परिवर्तन विषय पर 3 दिवसीय आध्यात्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य प्रशिक्षक बीके रमन भट्टाराय, बीके गोपिनी, बीके रमा, गांव पालिका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठ, वार्ड अध्यक्ष बई बहादुर, युवा प्रभाग वीरगंज के उप संयोजक बीके गोकुल समेत कई विशिष्ट सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीके सदस्यों ने उपस्थित लोगों को संसार के नकारात्मक माहौल में भी शांत कैसे रहें, इसके उपाय सुझाए। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे एवं डॉक्टर एच एन अवार्ड सेरेमनी के अंतर्गत कर्नाटक के शिमोगा में कर्नाटक राज्य वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद 2021 का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ए एस किरण कुमार ने की। इस सम्मेलन में ब्रह्मकुमारी संस्था के स्पोर्ट्स विंग के चेयरपर्सन बीके डॉक्टर बसवराज को यह पुरस्कार कर्नाटक के लोगों को वैज्ञानिकता के प्रति जागरूक करने के लिए दिया गया। अनेकानेक रिसर्च और प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि राजयोग मेडिटेशन अपने आप में एक संपूर्ण जीवन पद्धति है, जिसमें व्यक्ति तनाव मुक्त होकर स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जीता है। ये बातें हृदय रोग एवं मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर सतीश गुप्ता ने मध्य प्रदेश के नियमित सेवा केंद्र पर डॉक्टर्स के लिए आयोजित सेमिनार के दौरान व्यक्त की। इस मौके पर 50 से भी अधिक चिकित्सक मौजूद रहे। मेडिटेशन इज मेडिकेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम का विधायक दिलीप सिंह परिहार, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जैन, बीके सविता, बीके सुरेंद्र समेत वरिष्ठ सदस्यों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सद्भावना सेंटर से भारत को स्वस्थ, स्वच्छ और मुक्त बनाए, इस उद्देश्य से रैली निकाली गई। लोगों को शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य व आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, इसको समझते हुए प्रयागराज के सभी सेवा केंद्रों द्वारा जर्नी फॉर फ्रीडम अभियान की शुरुआत की गई। आपको बता दें, इस अभियान के दौरान विभिन्न सम्मेलन, वर्कशॉप्स, टॉक शो आयोजित किए जाएंगे, जिसका आगाज हो चुका है। बेंगलुरु के संजय नगर पुलिस स्टेशन में स्थानीय सेवा केंद्र ने स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड राजयोग मेडिटेशन पर 3 दिवसीय वर्कशॉप की, जिसमें JC नगर, RT नगर और हाबल पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने
वर्कशॉप अटेंड की। इस वर्कशॉप में बीके सोनी ने स्ट्रेस को हर चीज की जड़ बताया और मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन की सलाह दी। प्राचीन भारत की गौरवशाली और दिव्य गाथा को पुस्तक और साहित्य के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराया जाए, इस उद्देश्य से यूपी के बनारस में 17 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा विभाग और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सांस्कृतिक संकुल सभागार में पुस्तक मेले का शुभारंभ बनारस के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर बीके मोहिनी बीके वंदना ने सभी अतिथियों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मेले में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य और मूल्यनिष्ठ शिक्षा द्वारा जन जन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु ब्रह्म कुमारीज द्वारा मूल्य प्रदर्शनी और बुक स्टॉल लगाया गया, जिसका कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने अवलोकन कर संस्था की शिक्षाओं की सराहना की। What I think is to radiate all the atmosphere depend on my thought. What type, what quality thought I was increasing in my mind depends on the vibration. अब कुछ खबरें एक नजर में। कानपुर के औरैया में बीके बहनों ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को दी नव वर्ष की मुबारक। आध्यात्मिक साहित्य भेंट करते हुए ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार की दी जानकारी। 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करने के लिए सेवा केंद्र पर आने का दिया निमंत्रण। जम्मू के बीसी रोड सेवा केंद्र पर दीप जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन ने सभी को दी नए साल की मुबारक। आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया प्रेरित। छोटे बच्चों ने अपने डांस से किया सभी का मनोरंजन। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी पर भी ऐसा ही आयोजन। ऑनलाइन भी जुड़े सेवा केंद्र के कई सदस्य। बीके अनुराधा ने सभी को दी न्यू ईयर की बधाई और अव्यक्त मास में आध्यात्मिक उन्नति के दिए टिप्स। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में न्यू ईयर सेलिब्रेशन। किलाबाड़ी के राजऋषि भवन में हुआ कार्यक्रम। केक काट कर मनाई खुशियाँ। राजयोग मेडिटेशन द्वारा की विश्व शांति की कामना। जबलपुर के शिव शक्ति भवन में सार्वजनिक कार्यक्रम। दीप जलाकर व गीत गाकर हुआ शुभारंभ। कई अतिथियों ने सुनाए अपने अनुभव। कहा राजयोग मेडिटेशन से जीवन बनता है सरल। सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने किया सभी का आभार व्यक्त। इंदौर के न्यू पलासी सेवा केंद्र पर भी आयोजन। जोन प्रभारी बीके आरती ने सभी को बधाई देते हुए ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने का कराया संकल्प। घूमर घूमर गीत पर बच्ची ने दी सुंदर डांस की परफॉर्मेंस। रतलाम के नजरबाग कॉलोनी सेवा केंद्र पर केक काट कर मनाई खुशियाँ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा ने दी सभी को मुबारक। यूपी के सारनाथ सेवा केंद्र पर क्षेत्र निदेशक बीके सुरेंद्र की मौजूदगी में आयोजन। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन सुरेश चंद्र भारती, जिला उद्यान अधिकारी ममता यादव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, होली सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर के पी जायसवाल समेत कई अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। केक काट कर किया नए साल का आगाज। मध्य प्रदेश के शाजापुर सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम। बीके पूनम ने दी सभी को मुबारक। विश्व शांति एवं सद्भावना के लिए किया एक घंटे योग। मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजन। नैनपुर सेवा केंद्र पर था कार्यक्रम। कई अतिथि हुए शामिल। केक काट कर किया शुभारंभ। बीके ममता ने रोजाना सत्संग करने का बताया महत्व। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन रिट्रीट। क्रिएटिंग ओन डेस्टिनी थ्रू इनोवेटिव थिंकिंग विषय पर चर्चा। इस चर्चा में जुड़े पश्चिम बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के पूर्व डीजीपी वीरेंद्र, वहीं बीके उर्मिल ने मेडिटेशन के अभ्यास के बताए फायदे। मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में सांसद, पुलिस महानिदेशक एवं संस्था के वरिष्ठ सदस्य मौजूद। वर्तमान समय में मीडिया की समाज में भूमिका विषय पर हुई चर्चा। वहीं रतलाम सेवा केंद्र द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सेमिनार। लोको पायलट एवं ड्राइवर गार्ड सेमिनार में मौजूद। बीके सीमा ने ड्यूटी के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन को बताया जरूरी। सेमिनार में लोको निरीक्षण लक्ष्मण सिंह समेत सहायक लोको पायलट रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सेवा केंद्र द्वारा रिलायंस कंपनी में कार्यक्रम। बीके ज्योति ने बताया व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए मेडिटेशन जरूरी। भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश ने बताया मन को परमात्मा से कैसे जोड़े। नाटक के माध्यम से व्यसनों को सदा खत्म करने के बताए उपाय। रिलायंस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र कुमार रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ दुर्ग के केलाबाड़ी सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में बीके सदस्यों ने लोगों को साइंस टेक्निक से दी स्पिरिचुअल नॉलेज। 8 इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल के माध्यम से लोगों ने समझा बेहतर समाज की स्थापना के लिए विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय जरूरी। हरियाणा के कादमा में रक्तदान शिविर का आयोजन। किसान क्लब एवं हिंदुस्तान स्काउट्स की तरफ से आयोजित शिविर। ब्रह्म कुमारी इसको किया गया आमंत्रित। बीके वसुधा को सामाजिक कार्यों के लिए किया गया सम्मानित। सभी रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित।
छत्तीसगढ़ के राजन सेवा केंद्र पर सैन्य प्रशिक्षण में पहुंचे छात्र छात्राएं, शारीरिक योग्यता के साथ मनोबल को कैसे बढ़ाए विषय पर ट्रेनिंग। इंदौर से राजयोग शिक्षक बीके नारायण रहे मौजूद। छात्रों को मानसिक एकाग्रता के लिए कराया गया मेडिटेशन। राजस्थान रावत भाटा के भारत विकास परिषद द्वारा विशाल नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर। ब्रह्म कुमारी को शिविर में किया आमंत्रित। कार्यक्रम में समाज सेवी डॉक्टर एवं SDM रहे उपस्थित। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग सेवा केंद्र पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें एक तरफ कल्चरल ग्रुप की मनमोहक डांस परफॉर्मेंस थी तो दूसरी ओर सेंट पीटर्सबर्ग की डायरेक्टर बी के संतोष की प्रेरणादायक शिक्षाएं थी, जिसका सभी ने भरपूर लाभ लिया। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। We start leading a spiritual way of life, then we understand the importance of what is called old. Dress is not old, but today morning the spot which came on the dress, that has to be removed. हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।